तो ब्रोकली के पराठे बनाना बहुत ही सिंपल है। पहले धो लेंगे और फिर काट लेंगे। और तो अब हम ये जो ब्रोकली है इसको चॉप कर लेंगे। तो अब हम बनाएंगे ब्रोकली के पराठे। तो अब आटा भी गूंथ चुका है और मसाला भी रेडी है, तो अभी हम दोनों साइड से सेक लेंगे। आप सभी को हमारा प्रणाम। आज के ब्लॉग में हम सीखेंगे ब्रोकली के पराठे बनाना। तो ब्रोकली के पराठे बनाना बहुत ही सिंपल है, जैसे हम गोभी के पराठे बनाते हैं उसी तरह से ब्रोकली के पराठे बनाने हैं। तो इससे जो पहले के ब्लॉग थे उसमें हमने सीखा था पपीते के पराठे कैसे बनाना है, और वो भी बहुत ही सिंपल था। और आज सीखेंगे ब्रोकली के पराठे कैसे बनेंगे। तो ये भी बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आप ब्रेकफास्ट में इसे बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और सीखते हैं पराठे कैसे बनाने हैं। ब्रोकली के पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए एक ब्रोकली। तो ये ब्रोकली जो है इसको हम पहले धो लेंगे और फिर काट लेंगे और फिर चॉपर में चॉप कर देंगे। आप चाहो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हो, तो कद्दूकस करके भी ये बना सकते हैं जैसे नॉर्मली करते ही हैं कद्दूकस गोभी को, और मूली के पराठे के लिए मूली को। तो मेरे पास चॉपर है तो मैं इसे चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो अब ये ब्रोकली हमने इस तरह से काट ली है, तो आप चाहो तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हो, जो पूरा फूल होता है उसको कद्दूकस में ऐसे से कद्दूकस कर दिया। तो मेरे पास यहाँ चॉपर है तो मैं ये वाली जो ब्रोकली है इसको चॉपर में डाल दूँगी। तो सिंपल मैंने ऐसे छोटे पीस करे हैं और इसको मेरे को चॉपर में डालना है। और ये जो है बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, गीली गीली नहीं होनी चाहिए, तो अच्छे से सुखा के और तब इसे चॉप करनी है। ऐसे ही मैं इसमें सारी ब्रोकली डाल दूँगी चॉप करने के लिए। तो अब हम ये जो ब्रोकली है इसको चॉप कर लेंगे। तो अब हमने पूरी ब्रोकली को पीस लिया है, मतलब चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद ब्रोकली ऐसे लगती है। तो अगर ये गीली होगी तो थोड़ा पेस्ट सा हो जाता है, पर ये जैसे चॉपर है तो इसमें पेस्ट नहीं बनता है, चॉप ही रहता है। अब इसको हम सारा निकाल लेंगे इस तरह से। तो अब ब्रोकली जो है वो चॉप करके रेडी हो चुकी है। तो अब हम बनाएंगे ब्रोकली के पराठे। तो इसके लिए हमें चाहिए कद्दूकस करी हुई ब्रोकली। आप चाहो तो इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हो। और हमें चाहिए इसके लिए हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन मैंने पीस लिया है, और थोड़ा सा प्याज चाहिए, और मसाले जो बेसिक हम सब्ज़ी में डालते हैं वही चाहिए। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, एक चम्मच। आप चाहो तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, ज़रा सा ही डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे साबुत जीरा। आप चाहो तो जीरा नहीं डालना चाहते तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हो एंड में। और अब हम इसमें डाल देंगे जो मिर्च है, अदरक और इसे अच्छे से घुमा लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ब्रोकली जो हमने चॉप कर रखी है। तो ये जो सारा ब्रोकली है हमने इसमें डाल देना है इस तरह से, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हम मसाले डालेंगे इसमें। तो ये मसाला जो है अच्छे से भून चुका है, इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर थोड़ा सा, डेढ़ चम्मच डाला है मैंने छोटे, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है एक चम्मच से कम, और लाल मिर्च स्वाद अनुसार क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल रखी है पहले तीन चार, और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। तो अब इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें प्याज ऐड नहीं करेंगे, जब ये हल्का गुनगुना हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, हम गैस बंद कर देंगे और हल्का ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, क्योंकि प्याज पानी छोड़ देता है तो ये गीला हो सकता है, इसलिए लास्ट में प्याज को ऐड करेंगे। तो अब ये जो मसाला है वो बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें हमें प्याज मिलाना है, तो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें प्याज मिला देंगे। तो ये ऐसा दिखता है, और तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। तो आटा गूंदने के लिए सिंपल हमने आटा लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, और इसको गुनगुने पानी में मैं गूंद लूँगी। अब मसाला ठंडा हो चुका है तो इसमें हमारा जो ये प्याज था हम ये डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि
कि ये प्याज परांठा बनाते वक्त भी पक जाएगा, इसलिए तो फाइनली मसाला जो है वो इस तरह का दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब आटा भी गूंथ चुका है और मसाला भी रेडी है, अब हम बनाएंगे ब्रोकली के परांठे। अब हम पराठे को दोनों साइड से सेक लेंगे। तो अब ये पराठे सिक चुका है दोनों साइड से ऐसे, तो इसे हम निकाल लेंगे तवे में, प्लेट में निकाल लेंगे, तो ऐसा दिखता है पराठा बनने के बाद। अब दूसरा पराठा बनाते हैं। तो अभी ये पराठा बनके रेडी है, ऐसे ही हमें सारे पराठे बना लेने हैं। तो अभी ये वाला पराठा बन रहा है और इसको भी हम दोनों साइड से सेक लेंगे। इस तरह से हमें सारे पराठे बना लेने हैं सेक के। तो इस तरह से बनाए जाते हैं ब्रोकली के पराठे और ये ऐसे दिखते हैं अंदर से, इस तरह की इनकी फिलिंग होती है। तो ऐसे आप भी बना सकते हैं ब्रोकली के पराठे।